क्या आपको पता है ट्रक के पीछे हॉर्न प्लीज ओके आखिर ये क्यों लिखे होते हैं? दोस्तों, ट्रक को हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और इन सभी ट्रकों के पीछे कुछ न कुछ तो जरूर लिखा होता है, लेकिन हम आज आपको बताएंगे ओके प्लीज क्यों लिखा होता है और उसके बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। वैसे तो फैक्ट्री से केवल चेचिस निकलती है और उस पर बॉडी बाद में बनाई जाती है। चेचिस के पीछे यदि आप देखें तो पर बनाते समय उभार से टाटा लिखा होता है। आपको बता दें कि ओके और टाटा का अर्थ कालांतर में कब और कैसे बाय बाय हो गया, ये अलग शोध का विषय है, लेकिन केवल उभरा हुआ होने के कारण ये दूर से दिखाई नहीं देता, इसलिए ड्राइवर के लोगों ने पीछे लिखवाना शुरू कर दिया ओके टाटा फिर मिलेंगे। उसके बाद ट्रक वालों ने बढ़िया साड़ी के साथ कुछ स्टैंडर्ड वाक्य लिखवाने शुरू कर दिए, जैसे कि रात को डीपर का प्रयोग करें, हॉर्न मार, हो जा पार, हॉर्न प्लीज, ओके टाटा, ऐसे बहुत से वाक्य लिखाना लोग शुरू कर दिए। अब जो लोग ट्रक पर बॉडी बनाते हैं और पेंट करते हैं उनमें से अधिकांश तो पढ़े लिखे ही नहीं होते हैं। जी हाँ, एकदम से वो अनपढ़ होते हैं, फिर भी ट्रक पर लिखते हैं, इसलिए शब्दों का इधर उधर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से लिखने पर आंखों को अच्छा लगता है, फिर और रिक्त स्थान को भी दुष्प्रयोग में हो जाता है। क्या आपको पता है, जैसे आप देखते हैं कि ओके के स्थान पर पेंटर ने नेशनल परमिट का निशान यानी N/P बना दिया, और मजे की बात यह है कि आप जो भूरे रंग को देख रहे हैं इसे लोग NP कलर ही बोलते हैं, भूरा नहीं, इसलिए अक्सर लोग हॉर्न ओके प्लीज को एक ही वाक्य में समझा लेते हैं और फिर उसे जस्टिफाई करने के लिए अपने मन के कारण को बनाने लगते हैं। तो दोस्तों, हॉर्न ओके और प्लीज का यही जवाब है। वैसे तो आपको क्या लगता है इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग और अजब गजब फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।